धान एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसमें करीब 22 तरीके के मुख्य कीट लगते हैं, जिनको हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। रस चूसक, जैसे कि भूरा फुदका, हरा फुदका, सफ़ेद पीठ वाला फुदका, ये पौधों और पत्तियों के रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में तरल चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से फफूंद, जीवाणु, विषाणु जनित बीमारियां भी पैदा होती हैं। तना छेदक में पीला तना छेदक मुख्य रूप से कलों को छेद करके उसको नुकसान पहुंचाता है। कल्ले सूख जाते हैं, जिसे मृत गो यानी डेड हर्ट के नाम से जानते हैं। बाद की अवस्था में ये कीट की सुंडियाँ तनों के अंदर छेद करके अंदर अंदर खाती रहती हैं, बालियाँ सूख जाती हैं। बालियों को खींचने से आसानी से खींच के बाहर निकाला जा सकता है। इन्हें हम वाइट ईयर या सफ़ेद बाली भी कहते हैं। इसी तरीके से गाल मेज भी मृत गोब बनाता है। तीसरा हमारा डिफोलिएटर, जिसमें पत्ती लपेटक, कर्तन कीट, दो सिंग वाला हरा कैटरपिलर व राइस हिस्पा गंधी बग लगते हैं। ये कीट ज़्यादातर पत्तियों को खुरच करके, पत्तियों को काट करके और बालियों को काट कर नीचे गिराते हैं और दानों को छेद करके भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के रोकथाम व फसल की विशेष रूप से देखभाल करने के लिए मुख्य बातों को ध्यान देना चाहिए। जैसे ग्रीष्मकालीन जुताई करना बहुत ज़रूरी है। कीट रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। अगर पनीरी लगा रहे हैं तो 1 किलो बीज करीब 25 वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त होती है। सघन पनीरी से बचें। इसके अलावा रोपाई करने के टाइम कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे पौधों और पंक्ति के बीच की दूरी 20x20 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा लगभग 15 दिनों बाद खेत में हल्का पाटा चलाना चाहिए। पाटों का वजन करीब 10 से 12 केजी ही होना चाहिए और जब भी पाटा चलाएं खेत में पानी भरा होना चाहिए। इससे तनाछेदक वह पत्ती लपेटक कीटों की संख्या काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। करीब 30 दिनों बाद गंध पास निगरानी हेतु लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रबंधन हेतु करीब 7 से 8 गंध पास जगह जगह लगा सकते हैं। अगर रात में लगाना है तो हम लाइट ट्रैप करीब 7 से लेके रात 10 बजे तक लाइट ट्रैप लगाएं। और इसके अलावा पीला चिपचिपा पास जगह जगह लगाने से रस चूसक कीटों को आसानी से कम किया जा सकता है। हो सके तो ट्यूबवेल की दीवारों को भी हाईवे वाला पीला पेंट रंग करके उस पर सफ़ेद ग्रीस के लगाने से काफ़ी हद तक रस चूसक कीटों की संख्या कम की जा सकती है।